दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी चोणा तो ठीक पहला श्रोमणी अकाली दल बादल नूं लगातार झटके लग रहे हन। दिल्ली दे विकासपुरी हलके च काफी प्रभाव रखण वाले दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मौजूदा मैंबर सरदार मनमोहन सिंह ने श्रोमणी अकाली दल बादल नूं अलविदा कह श्रोमणी अकाली दल दिल्ली विच शमूलियत कर लई है। सीनियर मैंबर मनमोहन सिंह कमेटी दे अंदर चल रहे भ्रिष्टाचार दे मुद्दियां तों नाराज दसे जा रहे सन अते उन्होंने अपने अस्तीफे दे पत्र विच बहुत सारे मुद्दियां दा जिक्र भी कीता सी। उन्होंने चिट्ठी लिखण तो बाद पत्रकारां दे सवालों के जवाब दिंदिया मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं पहला भी सरदार परमजीत सिंह सरना की ईमानदारी और निरस्वार्थ भावना तो प्रभावित सी और अज भी हाँ, पर मैं पहला बोलण का हकदार नहीं हुंदा सी। नवें नियुक्त मैंबर ने दस्या कि सरना साहब ने बाला साहब हस्पताल चलाउण वेले नेक काम की शुरुआत की पर विरोधियों ने उसनू गंदी राजनीति नाल रोकिया। अज 500 कमरे के विशाल हस्पताल नू खंडर विच वेख के बहुत दुख हुंदा है। उन्होंने बहुत चिक्कड़ सुट्टिया गया जो हुण पाक साफ निकले हन। तो सरदार परमजीत सिंह जी सरना ने उस समय उन्होंने एक सेवा होर दिती कि जिथे गुरुद्वारे बनाते कौम वास्ते कोई हॉस्पिटल बना देंगे। सरदार परमजीत सिंह जी सरना नाल मिलके बाबा हरबंस सिंह जी ने बहुत वड्डा हॉस्पिटल, बहुत वड्डी विरासत सिख कौम नूं दित्ती। पर दुखांत है, मैं समझदा कौम का दुखांत है, होवे सिख ते दूसरे सिख दे उपर झूठा इल्जाम लगा दे, प्रूफ कर दे फिर ते सच है। बड़ा मीडिया ते खबरां पईयां जी 300 करोड़ का हॉस्पिटल वेच दिता, 300 करोड़ का हॉस्पिटल वेचता, सरना साहब ने वेच दिता। ये झूठ का प्रचार ही सी ते शायद उदों हार गए, लोगों ने समझा वाकई सरना साहब 300 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल वेच के ते घर चले गए। दास जदों भी दास जी ड्यूटी गोलका दे विच चेयरमैन गोलका दे 20 दिन बाद दे मौका मिलता है जान दे हर गुरुद्वारे च, जदों दी वो बिल्डिंग मैं जदों देखदा मन नूं एक बड़ा ठेस पहुँचती सी कि यार एडी करोड़ा 200-250 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 400 कमरे गिने भी नहीं जा सकते, आम बंदा जाएगा तो शायद कमरे नहीं गिने जा सकते। एडी वड्डी विरासत कौम नूं दित्ती सी, उस विरासत नूं झूठ बोल के खंडर कर दिता गया पिछले 8 साल तो। मैं इन्हां दे नाल ही बैठा, जे तो परमजीत सिंह सरना जी की कोठी तोड़वा देंदे ओपोजिशन वाले फिर तो मैं इन्हां नाल शायद अज ना बैठदा, पर उहदे च शर्त सी जे हॉस्पिटल चला देंदे। झूठा केस पाया गया, कोर्ट ने बरी भी कर दिता और प्रूफ नहीं हो सकया भी इन्हां ने पैसा खाता है, क्यों महाराज जी सतगुरु की बड़ी बख्शिश है इन्हां दे पैसे वालों। मैं समझदा पैसा कौम दा सी, विरसा कौम दा सी, ते ए सरना साहब की जायदाद समझ के उहदा बेड़ा गर्क करता। हुण थोड़ी जी उहनूं रिपेयर बाबा हरबंस सिंह जी कर रहे ने। एक नंबर ते मैनूं वायदा करो, दिल्ली दियां संगतां अगे अपील करो कि मैं आवांगा पावर च, मैनू अगर वोटां दित्तियां, मैनू तुसीं ये मजोरिटी च आके मैनू प्रधान बनाता, सारे काम पिछे हॉस्पिटल बना के कौम नूं दे के जाणा। इन्हां ने परसों ये भी गल कही, बैठे सी दोनों मेरे सत्कारयोग वीर ने, मैं इन्हां दी सपोर्ट च आया ईमानदार दे तौर ते, इन्हां नूं समझदा कि ईमानदार ने। परमजीत सिंह जी सरना की पार्टी ने मेजोरिटी नाल तुसी दिल्ली च लै आओ, तो इन्हां कोलों एक वादा लै लो कि साध संगत जी ये लंगर जिहड़ियां गल्लां कर रहे, असीं लंगर ते बड़ियां छोटियां गल्लां, एक एक सिख लंगर लगा दिंदा, पर ऐसा हॉस्पिटल नहीं दोबारा बनेगा जे अगर ये खंडर बन गया, आने वाले टाइम च कोई बढ़ा नहीं सकेगा। अज लोड़ हैगी है सच दी, कोई भी सिख अगर कोई झूठ बोलता है, मैं तो इस तो वड्डा पापी कोई नहीं, स्टेजा दे मारे दी हजूरी च झूठ बोली इस तो वड्डा पापी कोई सिख नहीं। हाँ सच जो है तुहाडे सामने जो सच है वह प्रूफ हो सकता, हाँ ये सच है सामने प्रूफ पे ने सच है, पर यह जिहड़े जिन्हें भी मैं देखे मैं गल्लां कीतियां मैं इन्हां नूं समझिया मैं उन्हां सारिआं नूं समझिया, ये फिर मजबूरी होकर एक कारण रब ने बना दिता, फिर इन्हां नाल मैं ज्वाइन किया। मेरी इन्नी बेनती फिर एक बार सारी दिल्ली की संगत नूं है, एक बार सरना साहब नूं फिर उस तरह मेजोरिटी लिया के ये जिहड़े कौम के कारज ने ये पूरे करा लो ताकि सानू कौम माफ़ ना करे। जे अगर ये हॉस्पिटल रुल गया तो दिल्ली की संगत तुहानूं किसी नूं माफ़ नहीं करेगी, खंडर है। और प्रैक्टिकल जाना, जिन्नी संगत मेरी वीडियो सुनेगी प्रैक्टिकल जाके देखना किड्डा क वड्डा हॉस्पिटल है, किन्नी वड्डी देन है कौम की, उसी उन्होंने खंडर करवा दिता है। पॉलिटिक्स, एक गंदी पॉलिटिक्स, मैं समझदा पॉलिटिक्स हो रहा है,
पॉलिटिक्स इन्हों के मकान तोड़ो जाओ अज पंजाबा कोठी तोड़वा लें जिन्हें तोड़ा ऐसे कोर्ट च ने केस भेजा से बार बार किया गया और लोगों ने शायद विश्वास किया कि वाकई सरदार साहब 300 करोड़ रुपया खा गए थे पर प्रूफ से 3 करोड़ का भी नहीं निकलिया। नवे मैंबर का स्वागत करदियां श्रोमणी अकाली दल दिल्ली प्रधान परमजीत सिंह सरना ने कहा कि अज साडी पार्टी नूं सरदार मनमोहन सिंह वर्गा तोहफा नवे साल ते मिलिया है। असीं तुहानूं यकीन दिवाउंदे हां कि असीं तुहाडे सुपने नूं पूरा करके हटांगे जिस दी शुरुआत असीं 9 साल पहला कीती सी। जे संगत ने सेवा दा मौका दित्ता तां असीं पहला आलीशान हस्पताल नूं पूरा करांगे तां जो लोड़वंदां दा मुफ्त इलाज हो सके। अपनियां प्राप्तियां नूं अग्गे दसदियां पार्टी दे महासचिव हरविंदर सिंह सरना ने दावा कीता कि साडा मुख उद्देश अपने स्टाफ नूं समें सिर अदायगी करना, बंद कीते कालज अते हस्पतालां नूं मुड़ सुरजित करना, नौजवानां नूं रुजगार मुहैया करवाना, पंथक मर्यादा नूं दुबारा लागू करना है। इन्ने वड्डे धोखे इतिहास दे विच संगत नाल किसे ने नहीं कीते जितने कि बादल दल ने कीते हन। साडा जिहड़ा इक प्राइम प्रोजेक्ट सी वाला साहब हॉस्पिटल दा, उस प्रोजेक्ट नूं इन्होंने किल कीता, बिल्कुल तहस नहस कर दिता है। स्कूलां दे इंतजाम खत्म कर दिते हन, स्कूल बर्बादी दे कंडे ते लिया दिते हन। ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਛੰਟੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾ, ਕੁਲਤਾਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਿੱਤੀ ਜੱਗੀ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ, ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਤਮਪੁਰਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ PRO, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो।